अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद अली और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम विज़िट करेंगे ब्रांड न्यू 6 मरला कॉर्नर हाउस का, जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। इसकी जो लोकेशन है वो है बहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी, और जो इसकी डायमेंशनस हैं वो है 30x46। 30 इसका फ्रंट है, 46 इसकी लेंथ है। ब्रांड न्यू हाउस है, 6 मरला है और कैटेगरी हाउस है, मीन्स ए कॉर्नर हाउस है, तो स्पेशल कैटेगरी हाउस है ये। कम्प्लीटली मज़ा का विज़िट करेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कम्प्लीट एंड तक देखनी है, क्योंकि डिटेल्स, डिमांड और लोकेशन के बारे में तमाम तर तफसीलात आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। एंड सबके अलावा अगर आप अपना घर खुद से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपको हाउस कंस्ट्रक्शन के टिप्स मिल जाएंगे। आपने अपना हाउस प्लान कैसे डिसाइड करना है उसके बारे में आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो अब चलते हैं, इसका विज़िट स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स जी, आप देख सकते हैं इसका फ्रंट एलिवेशन है बहुत ज़बरदस्त और बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का इसका फ्रंट एलिवेशन है। ब्रांड न्यू 6 मरला कॉर्नर कैटेगरी हाउस है, सेल के लिए अवेलेबल है, कैश पे, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। लोकेशन है बहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी, और इसकी जो प्रॉपर्टी आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। आपने कॉन्टैक्ट करके मुझे आईडी लाजमी मेंशन करनी है। अब मैं आप सबको इसका कॉर्नर का व्यू दिखा देता हूँ। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसका कॉर्नर का व्यू है, और मेन रोड से हार्डली ये सेकंड घर बनता है, ये कॉर्नर का इसका व्यू बनता है। 6 मरला है, सेकंड गेट भी अवेलेबल है, और बहुत लग्जरी किस्म का घर है ये। इसकी जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की है। घर की थोड़ी बहुत फिनिशिंग रिमेनिंग है, लेकिन इंशाल्लाह घर आपको कम्प्लीट करके आपके हैंड ओवर किया जाएगा। व्यूअर्स, ये इसका गेट का डिज़ाइन है बहुत ज़बरदस्त और बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का इसका गेट का डिज़ाइन है। और यहाँ पर हमारे पास आ गया इसका कार रैंप, एंड इस तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, ये गेट के पीछे है। और जो एक्सटर्नल लॉन है वो भी डेवलप होना है, ये सीमेंट किया गया, इसको भी फिनिशिंग इसकी रिमेनिंग है, लेकिन इंशाल्लाह घर आपको कंप्लीट करके आपके हैंड ओवर किया जाएगा। एंड ये आगे हमारे पास सबसे पहले इसका कार पोर्च, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी स्पेशियस कार पोर्च है। फैंसी टाइलिंग की गई है ग्राउंड पर, एंड सामने एंट्रेंस है इसका। अगर हम राइट साइड पर देखते हैं तो हमारे पास इसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, पानी की मोटर भी फिक्स्ड है, और एक ग्राफिक इस्तेमाल किया गया है फ्रंट पे। अब आप सब कार पोर्च को प्रॉपरली दूसरे एंगल से भी व्यू कर सकते हैं। ये इसका यूनिक सीलिंग डिज़ाइन, सामने एंट्रेंस है, उसके साथ वॉल पे डिज़ाइनिंग की गई है, एंड ये हमारे पास स्टाइल रखा गया ग्राउंड पे। इस तरफ वॉल पे सिंपल वाइट कलर के पेंट का इस्तेमाल किया गया है। और मैं आप सबको अब एंट्रेंस दिखा देता हूँ। ये मेन एंट्रेंस है और ये है ड्राइंग रूम की एंट्रेंस। वॉल पर फैंसी डिज़ाइनिंग की गई है, सीलिंग डिज़ाइन। अगर हम इस डिज़ाइनिंग को क्लोजली देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि फैंसी स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है इस तरफ, और रिमेनिंग वॉल पे सिंपल वाइट कलर के पेंट का इस्तेमाल किया गया है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फैंसी स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है। और अब आप सब क्लोजली मेन डोर को व्यू कर लें, काफ़ी अच्छा वुडवर्क किया गया है इसका, हाइटेड डोर है। और स्टेप्स अगर आप देखते हैं तो ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, और ये जो डोर है ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा वुडवर्क है और हाइटेड डोर है। अब हम मूव करते हैं घर के अंदर, तो हमारे पास सबसे पहले आ गया इसका ये ड्राइंग रूम का एरिया आ गया हमारे पास। सामने टीवी लाउंज है, ये सब ड्राइंग रूम है, और पार्टीशन के ऑप्शन छोड़ी भी है, अगर आप चाहें तो इसकी पार्टीशनिंग कर सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है, ये सब टू यू। ये फैंसी टाइल वर्क है, और स्कॉटिंग इसके में ब्लैक कलर की रखी गई है, और वॉल पर सिंपल वाइट कलर का पेंट। सामने वेंटिलेशन विंडो है सेफ्टी ग्रिल के साथ, और इस तरफ भी वेंटिलेशन विंडो अवेलेबल है विद सेफ्टी ग्रिल्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैंसी स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, और ये इसका यूनिक सीलिंग डिज़ाइन आप सबको मैं कॉर्नर से दिखा रहा हूँ। एक्चुअली आप सबको हर एंगल से व्यू करवाने का पर्पज़ ये होता है कि आपको हाउस प्लान के बारे में डिटेल्स और तफसीलात ठीक से समझ में आ जाएं। ये आप प्रॉपरली व्यू कर लें दूसरे एंगल से। सिंपल वाइट कलर के पेंट का यूज़ किया गया है, और ये टाइल वर्क जो है वो ड्राइंग रूम का और टीवी लाउंज का टाइल वर्क बिल्कुल सेम रखा गया है, और सीलिंग डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सेम रखा गया है। अब हम मूव करें टीवी लाउंज की तरफ, तो सबसे पहले हमारे पास इसका आ गया ये इसका टीवी लाउंज का एरिया। आप जो सामने स्टेज देख रहे हैं उनकी एक साइड अपर पोर्शन की तरफ, और ये भी हम ग्राउंड पोर्शन में मौजूद हैं। इस तरफ किचन है, और साथ एक बेडरूम, सामने पाउडर वॉशरूम। एंड अब आप सब प्रॉपरली दूसरे एंगल से वन सेकेंड इसको रिव्यू कर लें। काफ़ी अमेजिंग कंस्ट्रक्शन की गई है, लोकेलिटी बहुत अच्छी है इसकी, फुल डेवलप्ड इन पॉपुलेटेड एरिया में घर लोकेटेड है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो यहाँ से राइट साइड पर हमारे पास आ जाता है इसका किचन। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी फैंसी फिटिंग्स की गई हैं, और कलर की सिलेक्शन बहुत अच्छी की गई है। वॉल पे ब्लैक टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसका यूनिक सीलिंग डिज़ाइन है, और काफ़ी अच्छे सीलिंग बल्ब लगाए गए हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास इसकी फैंसी टाइलिंग है ग्राउंड पे। जो किचन पे टाइलिंग की गई है वो डिफरेंट है, एंड यहाँ पे जो टीवी लाउंज की टाइलिंग है वो डिफरेंट है। एंड इसके अलावा यहाँ पे मेन एसेसरीज़ भी अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं, और क्लोजली आप व्यू कर लें वॉल पे टाइलिंग। एंड इसके अलावा यहाँ पे स्टोव अवेलेबल है, एंड यहाँ पे हुड की इंस्टॉलेशन भी रिमेनिंग है। एंड इस तरफ अगर हम देखते हैं तो वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो, एंड इसके अलावा एग्जॉस्ट फैन भी अवेलेबल है। एंड ये जो एक्सेस दी गई है लॉन्ड्री के एक्सेस, मैं आपको लॉन्ड्री का व्यू करवा देता हूँ। गीज़र इंस्टॉल्ड है, टैप्स भी इंस्टॉल्ड हैं, एंड इस तरफ यहाँ पे इसका दूसरा गेट भी अवेलेबल है।
ये बेस्ट है इसलिए कि अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल कोई भी मेड होती है तो वो यहाँ से एंटर होके डायरेक्टली किचन में आ जाएगी, आपके घर के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। एंड अब आप सब किचन को प्रॉपरली दूसरे एंगल से व्यू कर लें। बेसिकली इस घर के जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। अब आप सब प्रॉपरली किचन के एंगल से सामने ड्राइंग रूम को व्यू कर लें। एंड ये हमारे पास आ गया इसका टीवी लाउंज, वंस अगेन आप इसको रिव्यू कर लें। ये मेन एंट्रेंस है कारपोर्ट से और ये है ड्राइंग रूम की एंट्रेंस, सामने पाउडर वॉशरूम है। एंड किचन को विजिट करने के बाद हम राइट साइड पर टर्न करते हैं तो हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम। ये आप देख सकते हैं स्पेशियस और मास्टर साइज बेडरूम है। ये मास्टर साइज बेडरूम है व्यूअर्स, और सिंपल वाइट कलर के पेंट का इस्तेमाल किया गया है। वेंटिलेशन विंडो है, इसका यूनिक सीलिंग डिज़ाइन एंड ये ग्राउंड पे फैंसी टाइल वर्क है और स्कॉटिंग भी इसके मैचिंग की रखी हुई है। कॉर्नर में हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम है, इसको भी विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका अटैच वॉशरूम, वाइट कलर की कॉम्बिनेशन है, फोटा फिटिंग्स हैं, टब भी अवेलेबल है। और जो इसकी टाइलिंग है वो आप देख सकते हैं कि ऊपर सीलिंग की तरह अटैच की गई है एंड वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर भी विंडो छोड़ी गई है। इसकी जो वार्डरोब्स हैं वो सामने अटैच्ड हैं और सीलिंग तक अटैच की गई हैं, वॉल के अंदर फिक्स्ड हैं। एंड अब आप सब बेडरूम को दूसरे एंगल से प्रॉपरली व्यू कर लें। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो मैं उसके बाद आप सबको इस बेडरूम के एंगल से व्यू करवा देता हूँ टीवी लाउंज का। वंस अगेन ये व्यू बनता है जिसका, आप उसको प्रॉपरली तसल्ली से व्यू कर लें। और घर की अकोमोडेशन बहुत अच्छी है। हाउस प्लान की अगर हम बात करते हैं तो इस घर में 4 bedrooms हैं। एंड अब इस तरफ कॉर्नर में हमारे पास इसका पाउडर वॉशरूम भी अवेलेबल है, ये आप व्यू कर लें जी। यहाँ पे भी वाइट कलर की कॉम्बिनेशन है और इसकी वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे भी स्पेस छोड़ी गई, यहाँ पे भी एग्जॉस्ट फैन की इंस्टॉलेशन भी रिमेनिंग है। सो इसी के साथ साथ हमने ग्राउंड पोर्शन का विजिट कंप्लीट कर लिया। डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि 1 bedroom विद अटैच वॉशरूम, किचन और लॉन्ड्री एरिया, और इसके अलावा ड्राइंग रूम विद पाउडर वॉशरूम, और हमने टीवी लाउंज का विजिट भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं आप सबको टीवी लाउंज से हर एंगल का व्यू करवा रहा हूँ, ड्राइंग रूम का भी, टीवी लाउंज का भी, किचन का भी एंड बेडरूम का भी। और अब हम मूव करेंगे अपर पोर्शन की तरफ। एक्सेस जो दी गई है वो यहाँ से दी गई है, ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया स्टेप्स पे, ये काफ़ी अच्छा वुडवर्क किया गया है एंड वॉल पे फैंसी डिज़ाइनिंग की गई है, आप देख सकते हैं। ग्राउंड पोर्शन में हमारे पास 1 bedroom है, अपर पोर्शन में हमारे पास 3 bedrooms हैं विद अटैच वॉशरूम। ये सिंगल यूनिट हाउस है। और अब हम आ चुके हैं अपर पोर्शन में। ये इसका छोटा सा एक लॉबी एरिया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अपर पोर्शन में हमारे पास 3 bedrooms अवेलेबल हैं। फर्स्ट हम मूव करेंगे बेडरूम की तरफ, तो ये आ गया हमारे पास अपर पोर्शन का फर्स्ट बेडरूम। यू कैन सी स्पेशियस और मास्टर साइज बेडरूम है, वेंटिलेशन विंडो छोड़ी गई है, इसके अलावा वॉल पे फैंसी डिज़ाइनिंग की गई है। हर रूम का अपना गैस पॉइंट, गैस वेल अवेलेबल है, फैंसी टाइलिंग है, स्कॉटिंग इसके मैचिंग की है। एंड इस तरफ अगर आप देखते हैं तो इसका यूनिक सीलिंग डिज़ाइन विद सीलिंग फैन। और यहाँ पे इस एंड पे हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम अवेलेबल है, सेम पोटा फिटिंग्स, वाइट कलर की कॉम्बिनेशन यूज़ की गई है और इसका टाइल वर्क बहुत अमेजिंग किया गया है। एंड इस तरफ ऊपर आप देख सकते हैं कि वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो एक बेडरूम हमने विजिट कर लिया, अपर पोर्शन का फर्स्ट बेडरूम हमने कम्प्लीटली विजिट कर लिया। और इस बेडरूम के एंगल से इसका ये व्यू बनता है। एंड सामने जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं, ये स्टेयर्स इनके थ्रू अभी हम ऊपर आए हैं और ये जो स्टेयर्स हैं ये एक्सेस है छत की तरफ। हमने जो ये फर्स्ट बेडरूम एक्सिट किया तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया इसका सेकंड बेडरूम। ये भी एक अच्छे साइज के बेडरूम रखा गया है और वार्डरोब्स अवेलेबल हैं, अटैच वॉशरूम, वेंटिलेशन विंडो विद सेफ्टी ग्रिल्स, एसी पॉइंट अवेलेबल है, गैस के पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं। ये इसकी फैंसी टाइलिंग है ग्राउंड पे, और इसके अलावा ये इसका यूनिक सीलिंग डिज़ाइन। एंड कॉर्नर में हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम भी अवेलेबल है, ये भी आप देख लें। घर में इंपोर्टेड पोटा की फिटिंग्स यूज़ की गई हैं, टाइलिंग बहुत नीट एंड क्लीन की गई है, और ये इसका वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो। एंड इस तरफ से अगर आप देखते हैं तो सामने आप देख सकते हैं वॉल पे फैंसी डिज़ाइनिंग भी की गई है। और अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से रिव्यू करवा देता हूँ। राइट साइड पे जो बेडरूम है हमने विजिट कर लिया उसको, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास है इसका, इस घर का लास्ट एंड फोर्थ बेडरूम। दिस इज़ ऑल्सो द मास्टर साइज बेडरूम, इसकी भी वॉल पर डिज़ाइनिंग है, वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए डबल विंडोज़ हैं, टाइल वर्क है, फैंसी टाइल वर्क है ब्लैक स्कॉटिंग के साथ, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। एंड सामने एसी पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं एंड इस तरफ गैस का पॉइंट भी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे हम टर्न करते हैं इस तरफ, तो इस बेडरूम की जो वार्डरोब्स हैं वो वॉशरूम के अंदर फिक्स की गई हैं। बाकी जितने भी हमने रिमेनिंग बेडरूम्स विजिट किए हैं उनके वो जो वार्डरोब्स हैं वो वॉशरूम से बाहर थी। सो इसकी टाइलिंग देखें, डिफरेंट टाइलिंग है वॉशरूम की, एंड इस तरफ ये एक बेडरूम की टाइलिंग डिफरेंट है। एंड अब हम सब आ चुके हैं इसके वॉशरूम में। ये आप देख लें, इसकी भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है, पोर्टा फिटिंग्स हैं, 7 tub अवेलेबल है और यूनिक टाइल वर्क किया गया है। इसके अलावा वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। सो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमने दोनों पोर्शंस का विजिट कंप्लीट कर लिया। 4 bedrooms विद अटैच वॉशरूम, सिंगल किचन, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम विद पाउडर वॉशरूम,
और इसके अलावा हमने किचन की जो बैक पे लॉन्ड्री एरिया है उसका भी हमने विजिट कंप्लीट कर लिया। अब हम मूव करेंगे छत की तरफ। ब्लैक एंड रेड का इस्तेमाल किया गया है स्टेप्स पे, थोड़ी बहुत सफाई रिमेनिंग है इस घर की और यहाँ पे भी फैंसी काम किया गया है वॉल पे। सफाई इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाएगी और इस घर में जो भी छोटी मोटी फिनिशिंग रिमेनिंग है वो भी इंशाल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंप्लीट करके घर 100% आपको 100% कंप्लीट करके आपके हैंड ओवर किया जाएगा। एंड अब हम आ चुके हैं छत पे, यानी कि रूफ टॉप पे, कंप्लीट चिप्स की फ्लोरिंग। एंड यहाँ पे बैक साइड पे हमारे पास है इसकी पानी की टैंकी, आप देख सकते हैं सफाई रिमेनिंग है लाइक आई सेड। और इस सफर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसका सर्वेंट क्वार्टर अवेलेबल है, हमें थोड़ा बहुत सामान रिमेनिंग है, सिंपल रखा गया है इसको भी। और कॉर्नर में हमारे पास इसका सर्वेंट क्वार्टर का अटैच वॉशरूम भी है, ये आप देख लें इसकी भी सफाई रिमेनिंग है अभी। बहरिया टाउन फेज़ है, रावलपिंडी की लोकेशन है। और अगर आपने ब्लॉक मालूम करना है तो ब्लॉक आप मुझसे कॉल पर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मैं आप सबको फ्रंट से व्यू दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि सामने भी घर बने हुए हैं, फुल डेवलप्ड एंड पॉपुलेटेड एरिया में घर लोकेटेड है। बहरिया टाउन फेज़ रावलपिंडी की लोकेशन है। ये सामने मेन रोड है, मेन रोड से हार्डली ये सेकंड या थर्ड घर बनता है। और अगर हम दूसरे एंड से देखते हैं, चूँकि ये कॉर्नर हाउस है तो आपको मैं दूसरे एंड से व्यू दिखा रहा हूँ, या व्यू कर लें कि फुल स्ट्रीट डेवलप्ड है, फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। बहरिया टाउन फेज़ रावलपिंडी की लोकेशन है और सफारी वैली है ये। मूव करते हैं दोबारा से ग्राउंड पोर्शन की तरफ और आपके साथ मैं तमाम तर तफसीलात एक मरतबा फिर से शेयर कर देता हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमने इस ब्रांड न्यू 6 मरला कॉर्नर हाउस का विजिट कंप्लीट कर लिया। इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से कि ब्रांड न्यू हाउस है, 6 मरला कॉर्नर कैटेगरी हाउस है, सेल के लिए अवेलेबल है, कैश पे इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। लोकेशन है बहरिया टाउन फेज़ रावलपिंडी। और इसकी अगर हम अकोमोडेशन की बात करते हैं तो 4 बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम, सिंगल किचन है और टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम विद पाउडर वॉशरूम। छत पे अगर हम आते हैं तो छत पे हमारे पास एक सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। डायमेंशन है इसकी 30x46, 30 इसका फ्रंट है, 46 लेंथ है, कॉर्नर कैटेगरी हाउस है। अगर हम इसकी रेंटल वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी जो रेंटल वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 38,000 से 40,000 तक की है। एंड इस सब के अलावा इसकी जो डिमांड है, जो आसमिंग प्राइस है, वो है 1 करोड़ 45 लाख, 1 करोड़ 45 लाख इसकी डिमांड की जा रही है, लेकिन ये नेगोशिएबल डिमांड है। आप में से किसी को भी घर पसंद आया है तो आपके स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट करके इस घर के बारे में डील कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो कहीं लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे आप लाजमी प्रेस कर लें। इससे जो कि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।